अगली खबर करेरा से, जहां करेरा पुलिस को सुरेश बाड़ई की हत्या की गुत्थी 36 घंटे में सुलझाने में सफलता हासिल हुई है। करेरा थाना प्रभारी सतीश चौहान के द्वारा बताया गया कि 13 अप्रैल की सुबह सूचना मिली थी कि सिरसोना ग्राम में खून से लथपथ लाश डली हुई है। पुलिस ने मामला प्रथम दृष्टा हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। महज 36 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाने में सफलता हाथ लगी। मृतक के पिता के द्वारा भी बताया गया था कि मेरे पुत्र सुरेश और उसके मित्र ने गुड्डा उर्फ रामजीलाल लोधी ने मेरे साथ बैठकर शराब पी थी। नींद लगने के बाद मेरी जेब में रखे सरसों के 50,000 रुपए लेकर ये दोनों चले गए। सुबह मुझे उसकी मौत की सूचना प्राप्त हुई। आरोपी रामजीलाल ने पैसों के चक्कर में पुलिस से घटना को अंजाम लाठी से वार करने का स्वीकार किया। आरोपी को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इसके बारे में बताएं। ग्राम सरसोना में 12-13 की रात, दरमियानी रात को एक व्यक्ति सुरेश नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी सुबह हम लोगों को सूचना मिली तो मौके पर जाकर जो है मौके की कार्रवाई की गई। और कल उसका आरोपी गुड्डा लोधी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और घटना में उसके द्वारा लिया जो पैसे निकाल कर ले गए थे मृतक के पिता की जेब से, वो पैसे भी हमारे द्वारा बरामद कर लिए गए। घटना की वजह क्या रही सर? घटना की वजह पैसा है।